नमस्कार, आज आपके लिए त्रिकोणमितीय समीकरणों का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इससे पहले हम आपके लिए 10th के सिलेबस को लेकर के और थीटा सारणी और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो आपसे डिस्कस किए थे, तो आज हम त्रिकोणमितीय समीकरणों को डिस्कस करेंगे। त्रिकोणमितीय समीकरणों का जो टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा मोस्ट है, क्योंकि इससे हर एक साल 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार इसके अंदर हमें पढ़ना है। त्रिकोणमितीय समीकरणों में हमेशा समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है पर अन्य दो कोण हमेशा 90 डिग्री से कम होते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का जो कोण का एडिशन होता है, जो जोड़ होता है, वो हमेशा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यदि ये 90 होगा तो ये दोनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। तो देखिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो भुजा होती है ये हमेशा कर्ण कहलाती है, ये जो भुजा होती है ये हमेशा कर्ण कहलाती है, और ये भुजा आपस में इंटरचेंज हो सकती है, आधार लंब कहला सकता है और लंब आधार कहला सकता है। तो देखिए किस प्रकार आपको याद रखना है कि ये थीटा दे रखा हो तो ये भुजा हमेशा लंब कहलाएगी और ये आधार कहलाएगी। देखिए आगे, आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा लंब कहलाती है और दूसरी साइड की जो भुजा होती है वो हमेशा आधार कहलाती है। और आपको याद रखना है कि अगर ये थीटा ना हो और ये थीटा दे रखा हो तो क्या होगा, तब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इस प्रकार अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा हो कि दोनों थीटा ना दे रखे हो, दोनों एंगल नहीं दे रखे हो, तो हमें लंब और आधार क्या मानना है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब दोनों ना दे रखे हो तो हमेशा आपको यही थीटा मान के चलना है, जिसकी वजह से ये लंब होगा जिसको हमने एल से प्रदर्शित किया है और आधार ये कहलाएगा। समकोण त्रिभुज के लिए हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम इसलिए लगती है क्योंकि पाइथागोरस नाम का वैज्ञानिक था, उसने अपने नाम पर पाइथागोरस प्रमेय दी थी, वो हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है। तो समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कहलाती है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। आगे देखते हैं, हमने त्रिकोणमितीय समीकरणों में त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने हैं। कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया, कुछ 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, मैं लिखता हूं, देखिए कौन कौन से। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। किस प्रकार, देखिए मैंने आपको बताया था साइन थीटा का ऑपोजिट कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा का ऑपोजिट साइन थीटा होता है, कॉस थीटा का ऑपोजिट सेक थीटा होता है और सेक थीटा का ऑपोजिट कॉस थीटा होता है, टेन थीटा का ऑपोजिट कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा का ऑपोजिट टेन थीटा होता है। ये आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए किस प्रकार, साइन का कोसेक होता है तो आप लिख सकते हो साइन थीटा बराबर 1/ कोसेक थीटा, कॉस का मैंने आपको सेक थीटा बताया तो कॉस का होगा 1/ सेक थीटा, टेन का मैंने आपको कॉट बताया तो इसका होगा 1/ कॉट थीटा। अगर कॉट का लिखना है तो टेन हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं, 1/ टेन थीटा। सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, तो इसका हो जाएगा 1/ कॉस थीटा, और कोसेक का साइन थीटा होता है तो 1/ साइन थीटा। कुछ इस प्रकार कुछ फॉर्मूले निकलते जा रहे हैं, इन सभी का उपयोग करके हम इसमें सब समीकरणों में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, क्योंकि इसके अंदर जो प्रश्न आते हैं वो सारे प्रूफ करने होते हैं, और प्रूफ तभी होते हैं जब हमको ये चीजें समझ में आ जाती है। आगे चलते हैं, देखिए किस प्रकार अगली सर समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इससे लगातार हमारी सर समीकरण निकलती चली जाएगी साइन और कॉस के रूप में। तो पहली सर समीकरण निकली हमारी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। अगर हमको साइन के रूप में चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा यही रहेगा, कॉस स्क्वायर है ये प्लस का उधर में माइनस का हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे अंडर रूट चला जाएगा
अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे साइन के रूप में सर समय कैंसिल हो जा रही है। अब कॉस के रूप में लिखिए, कॉस के रूप में किस प्रकार देखिए, हमको कॉस के रूप में निकालनी है, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस का है, ये साइन स्क्वायर उधर जाकर के माइनस का बन जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे अंडर रूट चला जाएगा, कॉस थीटा के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी साइन और कॉस के रूप में सर समय क्या निकल के आ गई। अब हम आगे पढ़ेंगे sec थीटा और tan थीटा के रूप में, देखिए किस प्रकार अगली सर समय का sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए अब इससे tan और sec के रूप में हमारी सर समय क्या निकलेगी, देखिए किस प्रकार सातवीं सर समय का पहले sec के रूप में निकाल लेते हैं, ये माइनस का है उधर जाकर प्लस का बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब sec स्क्वायर थीटा के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले का अंडर रूट चला जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये sec के रूप में हमारी सर समय का निकल चुकी है। अब हम निकालेंगे tan के रूप में, तो आप देख सकते हैं माइनस tan है तो आपको ये माइनस tan ही लिखना पड़ेगा इधर, माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, ये प्लस का sec स्क्वायर है उधर जाके माइनस का sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको पता है हमको tan स्क्वायर प्लस का चाहिए, तो आप दोनों पक्षों में दोनों साइड में राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे ये माइनस का tan स्क्वायर प्लस का tan स्क्वायर थीटा बन जाए। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो देखिए इस प्रकार यहां भी आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वाला माइनस माइनस बन के प्लस बन जाएगा और इसके साइन अंदर चेंज हो जाएगा, 1 प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा और sec स्क्वायर थीटा माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा। तो हमारी इस प्रश्न का निकल के आ जाएगी कि नहीं tan स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 1 sec स्क्वायर माइनस 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा कुछ इस प्रकार। अब जब माइनस का वाला है तो हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं जिससे हमारा थोड़ा दिखने में ठीक है, इस प्रकार sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, मैंने बस माइनस 1 को पीछे लिखा है और sec स्क्वायर थीटा को आगे लिखा है। देखिए आगे sec स्क्वायर थीटा इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे अंडर रूट चला जाएगा इस प्रकार। तो हमारे लिए tan के रूप में सर समय निकल के आ गई कि sec स्क्वायर अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारी tan और sec के रूप में निकल के आ चुकी है, ये 9th और ये 10th। अब आगे चलते हैं, अब हमारी नेक्स्ट सर समय क्या आएगी, वो है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो हमारे लिए नई सर समय का निकल के आएगी। देखिए किस प्रकार, आपको यहां बता देता हूं अगली सर समय का cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप देख सकते हो कि ये सर समय का और ये सर समय का लगभग सेम है क्योंकि बीच में माइनस है, तो जिस प्रकार हमने ये सर समय का निकाली है वैसे इस प्रकार इसकी भी सर समय निकलेगी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले cosec स्क्वायर थीटा के रूप में निकालते हैं, cosec स्क्वायर थीटा ये माइनस का उधर जाके प्लस का बन जाएगा स्क्वायर, इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा cosec स्क्वायर के ऊपर से तो सामने वाले पे अंडर रूट चला जाएगा इस प्रकार। तो हमारे निकल के cosec के रूप में cosec स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब आपको cot के रूप में निकालना है तो देखिए किस प्रकार निकलेगी, ये माइनस का cot है तो ये माइनस का cot ही रहेगा, ये 1 है ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा तो सामने, अब स्क्वायर है तो आपको पता है हमको माइनस नहीं चाहिए तो हमको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस प्रकार। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस बन जाएगा और ये अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का बन जाएगा और cosec स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। हम इसे cosec स्क्वायर थीटा को आगे लिख लेते हैं और माइनस को 1 को पीछे लिख लेते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला का अंडर रूट लगेगा, ये 16वीं सर समय का है और लास्ट सर समय का आ जाएगी हमारे लिए स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला का अंडर रूट लगेगा अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये टोटल सर समय का हमारे लिए निकल चुकी है।
जो इस प्रश्नावली के अंदर हमको पढ़नी है। अब हम आगे इन सभी सरल समीकरणों का उपयोग करके ही हमारे क्वेश्चन से आंसर निकलेंगे और हम प्रूफ कर पाएंगे। यदि हमारे ये आंसर हमको नहीं समझ में आएंगे तो हम आंसर नहीं निकाल सकते। अब देखिए आगे कुछ सरल समीकरण और है, तीन सरल समीकरण कुछ और है, उन तीन सरल समीकरणों का भी यूज इस प्रश्नावली के अंदर होगा। कौन कौन सी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये तीन सरल समीकरण हैं जिनका उपयोग करके हम ये प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। आपके लिए एक और चीज बता देता हूँ और दो आप सेल्फ भी कर सकते हो। देखिए क्या देखिए आगे हम बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो मैंने आपको बताई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। आप सोच रहे होंगे कि सर ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक ही क्यों रखा, और भी डिजिट रख सकते थे लेकिन एक ही क्यों आया। देखिए मैं प्रूफ करके बताता हूँ। दो चीज आपको प्रूफ करनी है, एक ये कॉसाइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक। मैं ये प्रूफ करूंगा, ये आप सेल्फ प्रूफ कर सकते हैं। देखिए हम आगे चलते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक। आपको हमेशा याद रखना है कि एक छोटी सी ट्रिक होती है लाल बटा पक्का। लाल बटा पक्का का मतलब है कि लंब आधा लंब, कर्ण कर्ण आधा। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो ये लंब बटा कर्ण है आगे की तरफ, लंब बटा कर्ण, ये हमेशा साइन थीटा होता है। आधार बटा जो कर्ण होता है ये हमेशा कॉस थीटा होगा, और लंब बटा आधार हमेशा टैन थीटा होगा। इन बातों का ध्यान रखना है। तो अब देखिए अगर आपको मैंने बता रखा है साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक का बनेगा कर्ण बटा लंब, कॉस का उल्टा मैंने आपको बताया है सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का उल्टा हो सकता है आधार बटा लंब। या हम इसको उल्टे कर देंगे तो cot थीटा sec थीटा और cos थीटा का मान निकल जाएंगे, जिससे हमारे ये और ये चीज सॉल्व हो जाएगी। देखिए हम निकालते हैं sin थीटा, sin थीटा का होता है लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर, इसलिए हमने इसका भी स्क्वायर किया है। cos थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, इसका स्क्वायर, तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब होल स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने 17 पे स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि इसका भी होल स्क्वायर था खोल दिया, इसका भी होल स्क्वायर था खोल दिया। नीचे कर्ण स्क्वायर है, नीचे कर्ण स्क्वायर है, एलसीएम कर्ण स्क्वायर भी आएगा। कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर का भाग एक बार, एक को हम लंब स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लंब स्क्वायर आएगा, प्लस कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर का भाग एक बार, एक को जब हम ऊपर वाले आधार स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हो, मैंने बताया भी है कर्ण स्क्वायर, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था उसमें बताया था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो आप देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की जगह आप कर्ण स्क्वायर लिख सकते हो, तो ऊपर कर्ण स्क्वायर हो गया और नीचे भी कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट गया, आंसर आया एक और बराबर था एक। इस प्रकार आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक, और सेक थीटा स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक लिख सकते हो। अब हम आपके लिए कल की वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स लाएंगे और उसके बाद हम प्रश्नावली डिस्कस करेंगे। हम इस प्रकार आपके लिए रोज वीडियो ला सकें, इसलिए आप हमारे चैनल को कंटिन्यू सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें, जिससे हम आपके लिए नया से नया वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।